दिल कुछ तो करना होगा, कुछ भी हो पर उनका रिश्ता खत्म करना होगा। तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मच अवेटेड अपकमिंग स्पेनिश मूवी योर फॉल्ट के बारे में और जानेंगे कि क्या रहा इस मूवी से बड़ा अपडेट, कब तक होगी यह मूवी रिलीज और तो और इस मूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि योर फॉल्ट एक अपकमिंग स्पेनिश लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे गोंजालेस। और वहीं यह मूवी 2023 में रिलीज हुई मूवी माय फॉल्ट का सीक्वल होने वाली है, जिसका नाम रखा गया योर फॉल्ट। और इसी वजह से इस मूवी की कहानी भी वहीं से शुरू होगी जहां पे माय फॉल्ट मूवी की कहानी खत्म हुई थी। और तो और दोस्तों, इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे शानदार एक्टर गैब्रियल गुएरा, जिनका साथ देती हुई नजर आएंगी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस निकोले वॉलेस। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस मूवी से आ रहे बड़े अपडेट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इस मूवी के मेकर्स ने कई सारे BTS लुक आउट किए हैं, जो कि आपको हमारी वीडियो में देखने को मिल ही रहे होंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी इसी साल यानी कि 2024 में, जिसे रिलीज कर दिया जाएगा दिसंबर के मंथ में OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको स्पेनिश समेत कई और भाषाओं में देखने को मिल जाएगी इसी साल 2024 में दिसंबर के मंथ में, जिसे रिलीज कर दिया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर। तो अगर आप भी कर रहे हैं इस मूवी का बेसब्री से इंतजार, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जैसे इस मूवी के मेकर्स इसके टीजर या फिर ट्रेलर को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।